ये देखो अंकल जी कुछ लिख रहे हैं इस पर। अंकल जी नाम लिख रहे हो इस पर? अच्छा अंकल जी देखो किस तरह नाम लिख रहे हैं। ठीक है ये अंकल जी अपना नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ और आज मैं आ गया हूँ भाई सदर बाज़ार डिप्टीगंज मार्केट एक नई अपडेट के साथ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं भाई सदर बाज़ार की डिप्टीगंज मार्केट है। आज हम यहाँ चलेंगे और देखेंगे क्या भाव चल रहे हैं बर्तनों के, सब कुछ बताऊँगा अपनी वीडियो में, क्या नया है क्या भाव है सब कुछ। तो आप वीडियो में बने रहना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको आर के आश्रम पड़ेगा, वहाँ से आप ई रिक्शा लेके 12 टूटी आ सकते हैं। 12 टूटी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये मार्केट शुरू हो जाता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ भाई ये जो डिप्टीगंज है कहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 टूटी है और यहाँ से लगभग 12 टूटी से आप 150 कदम चल के आओगे तो आपको राइट साइड में ये गली पड़ेगी और यहाँ आपको लिखा मिलेगा डिप्टीगंज इस तरह का बोर्ड, ठीक है। और यहाँ आपको जाना है और यहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाती है। तो यहाँ भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं आज हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ हमें शुरू में ये इस तरह के बर्तन देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ भी यहाँ भी। पर हम अंदर चलेंगे जहाँ मेन मार्केट लगती है वहाँ चलेंगे और वहाँ दिखाऊँगा आपको सस्ते सस्ते बर्तन। ये शुरू में हमें यहाँ पर इस तरह पूजा की आइटमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस तरह भी देखो चम्मचें चम्मच पड़ी हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और रेट पता करेंगे, प्राइस पता करेंगे सभी चीज़ों का। ये देखो अंकल जी कुछ लिख रहे हैं इस पर। अंकल जी नाम लिख रहे हो इस पर? अच्छा अंकल जी देखो किस तरह नाम लिख रहे हैं। ठीक है ये अंकल जी अपना नाम लिखा देते हैं लोग बाग इस पर ना, इस तरह। हाँ जो ख़रीदते हैं वो लिखा देते हैं। देखो अंकल जी इस तरह। अच्छा मंदिर के लिए लिखा जा रहा है ये 8 फुट की। हाँ ये सब देव की मूर्ति लगेगी वहाँ पे। अच्छा, मूर्ति लगेगी भगवान की वहाँ पे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर हाँ ये मार्ब उसकी बनवाई है ना संगमरमर की। हाँ हाँ ये लिख रखा ना एक। अच्छा ये नाम लिखने के अलग अलग से पैसे लेते हैं अंकल जी? ये कितने रुपए लगते हैं एक नाम लिखने के? कम से कम 5 रुपए हैं जी। 5 रुपए? हाँ जैसे ये बड़ा है इसके 20 रुपए हैं। अच्छा ये 20 रुपए एक पीस के। अच्छा जो आपने जो अब ये जो लिख रहे हो ये कितने लिए? इसके ही तो कह रहा हूँ जी इसके 20 रुपए लिए। हाँ केवल नाम नाम लिखाना हो तो नाम लिखाओगे खाली उसके 10 रुपए 5 रुपए बर्तन 10 रुपए 5 रुपए में आपके बर्तनों के नाम लिखे जाएंगे बर्तनों के। हाँ तो चलो इस तरह यहाँ नाम भी लिखे जाते हैं अंकल जी, मेहनत कर रहे हैं धूप के अंदर, ये अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो भाई वहाँ से हम चल के यहाँ अंदर आ गए और ये है भाई मेन बाज़ार जो अंदर लगता है। यहाँ देखो आपको थालियाँ मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है। और इधर भी तो चलेंगे किसी शॉप पर पता करेंगे प्राइस। तो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ हमें मिल जाएंगी चम्मच, ठीक है। और चम्मच चमचे पलटा ये नींबू वाला, ठीक है नींबू निचोड़ बोलते हैं इसको, छन्नी। अंकल जी प्राइस पता करेंगे किस किस प्राइस से यहाँ शुरू होते हैं अंकल जी, वो माइक देते हैं और फिर चर्चा चालू करते हैं अंकल जी। अंकल जी ये जो चम्मच है ये किस प्राइस बढ़ेगी? ये 50 रुपये दर्जन है। ये 50 रुपये दर्जन मिल जाएगी केवल आपको यहाँ 50 रुपये दर्जन, ठीक है। और अंकल जी इसके बाद कौन सा आता है? ये ऊपर 80 रुपये दर्जन। ये 80 रुपये दर्जन, ठीक है। ये से अच्छी क्वालिटी आ गई। और अंकल जी इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद फिर वो है 120 रुपये। ये हाँ ये सारे 120, ये सारा जो है 120 रुपये दर्जन पड़ेगी चम्मच। चम्मच मैं आपको दिखा दूँ इस तरह का रहेगा, साइज भी थोड़ा फर्क है, थोड़ी हैवी भी हो गई, ठीक है। इससे ऊपर 180 रुपये। ये 180 रुपये 150 रुपये पड़ेगी। ये 150 रुपये पड़ जाएगी आपको। ये 200 रुपये पड़ेगी। 200 रुपये दर्जन पड़ेगी अंकल जी। ये कांटे वाली कितनी पड़ेगी? कांटे वाली 100 रुपये की है। ये 100 रुपये दर्जन? हाँ ये वाली 100 रुपये दर्जन पड़ेगी। 180 रुपये दर्जन है ये। 180 रुपये दर्जन पड़ेगी। और ये बड़ी बड़ी अंकल जी? वो भी 180 है। नाइफ है 180 रुपये दर्जन। ये मक्खन लगाने वाला होता ना नाइफ, 180 रुपये दर्जन। ये भी 180 रुपये दर्जन, यानी कि एक 10-12 रुपये पड़ गया। 15 रुपये का, 15 रुपये का आसपास पड़ गया। तो ये देखते हैं अंकल जी लाइटर है। ये लाइटर कितने पड़ेगा अंकल जी? 40 रुपये का, मात्र 40 रुपये का लाइटर पड़ेगा, ठीक है। आपको घर के आसपास लोगे तो 100 रुपये देगा, यहाँ आप लोगे तो 40 रुपये पड़ेगा अंकल जी। ये जो बड़ी चमचे ये 25 रुपये का पीस है, 25 रुपये पीस है। और अंकल ये पलटा? ये 40 रुपये का पलटा है। ये 40 का है, ये 30 रुपये का है। 40 30 रुपये इस तरह पड़ेगा। ये 30 रुपये का है। ये राइस वाला ना? हाँ ये 50 का है। ये 30 का, ये 50 का, ठीक है। और देखते हैं अंकल जी ऊपर ये चमचे। ये पौनी है 60 रुपये की है, 80 रुपये की है बड़ी। ये 80 रुपये पौनी है। और देखते हैं करछी है 80 रुपये की है। 80 रुपये की करछी, 40 की करछी है। 40 की करछी, ठीक है। और देखते हैं अंकल के पास। ये 50 रुपये की है करछी। ये 50 रुपये की करछी है। 100 रुपये की है पौनी। ये 100 रुपये की पौनी है इस तरह। यहाँ ये पलटा है 50 रुपये। ये पलटा 50 रुपये का, ठीक है। और भी अंकल जी चाकू भी, अंकल जी किस हिसाब से देंगे चाकू? चाकू 15 रुपये का है। ये 15 रुपये का, ठीक है अंकल जी। ये कौन सा चाकू आ गया? ये चाकू नहीं है, वो है टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग बोलते हैं इसको, टोंग। बर्फ वरफ कोई भी चीज़ उठाने। अच्छा बर्फ वरफ उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये कितने पड़े अंकल जी?
30 रुपए का। अच्छा दोनों ये चीजें, ये भी 30 रुपए पड़ेगा। हाँ ये भी 30 रुपए पड़ेगा। अंकल जी ये क्या चीज है? घियाकस भी है, छीलने वाला भी है इसमें। अच्छा छीलने वाला भी, घियाकस भी। कितने पड़ेगा अंकल? 30 रुपए का। 30 रुपए का। और ये नींबू निचोड़? नींबू निचोड़ 100 रुपए का है, बड़ा 150 रुपए का है। ये 100 रुपए का है और बड़ा 150 रुपए का। अंकल जी ये तो सबसे छोटा है, कितने का है? ये 100 रुपए का है, एक ही है। ये भी 100 रुपए का। अंकल जी ये क्या चीज है? ये भिंडी कटर, भिंडी काटो, मिर्चे काटो। अच्छा कुछ भी काट लो, तोरई काट लो, इससे फटाफट कटती है। कितने पड़ेगा अंकल जी? 50 रुपए का। ये 50 रुपए पड़ेगा, ठीक है। अंकल ये छन्नियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? छन्नी ये 30 रुपए, ये 40 रुपए। 30 रुपए, ये 40 रुपए, 30 वाली छोटी, उससे बड़ी 40 रुपए, इससे बड़ी अंकल जी 50 रुपए। ये 50 डबल जाली में, डबल जाली की। अंकल जी ये क्या होता है? ये पूरी निकालने के लिए होता है? ये पूरी उड़ी निकालने के लिए होता है। ये कितने का होगा अंकल जी? 80 रुपए का। 80 रुपए का। और ये बड़े वाला? बड़े वाला 90 रुपए का। 90 रुपए का। अंकल जी ये तो घियाकस है ना? 100 रुपए का। ये घियाकस 100 रुपए का। अंकल जी ये क्या चीज है? ये चाय वाली निकालने के लिए, तड़का उड़का लगाने के लिए। तड़का उड़का चाय, ये 50 रुपए की। 50 रुपए। ये 50 रुपए। अंकल जी आलू, आलू को 50 रुपए का? आलू में सर, आलू में सर 50 रुपए का, ठीक है। और ये चिमटा अंकल जी? ये चिमटा 50 रुपए का है। 50 रुपए चिमटा है, ठीक है। इस तरह अंकल जी चीज रखती हैं। और ये भी इस, अंकल जी इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ये चिल्ली कटर है। चिल्ली कटर, ये कितने पड़ेगा? 150 रुपए का। 150 रुपए का। ये पीछे वाला 100 रुपए का। ये 100 रुपए का है? हाँ ये 100 रुपए का। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ये भाई, महंगा थोड़ा। और ये घियाकस? घियाकस 50 रुपए का। ये 50 रुपए। इस तरह यहाँ हमारे अंकल के आइटम मिल जाएंगे। अंकल जी एक बार थोड़ा बताओ कैसे लोग आप तक पहुँचे? डिप्टीगंज गोल चक्कर है, महाराज की दुकान। महाराज की दुकान, महाराज भूज लो, डिप्टीगंज गोल चक्कर के अंदर आके किसी से भी हर कोई बता दे महाराज की दुकान कौन सी है। चलो ठीक है, हमारे अंकल जी बहुत सस्ते प्राइस पे आपको ये चीज़ें दे देंगे। तो जय माता की। हाँ जय माता जी। और दूसरा प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है अंकल जी, सही बात है? नहीं, 12 महीने सेम होता है, कोई 10-5 रुपए किसी में बढ़ गए तो बढ़ गए, ऊपर नीचे जाते हैं। चलो 10-5 रुपए किसी आइटम में बढ़ जाते हैं, बाकी सेम रहता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट में। ठीक है जी, जय माता। धन्यवाद भाई। यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं भाई हमें क्या देखने मिलता है। कटोरी हैं, प्लेटें हैं, ठीक है, और इस तरह की चाय की केतली भी है। भैया को माइक देते हैं और भैया से प्राइस पता करते हैं, ठीक है। और यहाँ मग्गे ही मिल जाएंगे भैया जी। ये जो प्लेट की रेंज है कहाँ से शुरू हो जाती है आपने? भैया 20 रुपये से भैया। 20 रुपये से शुरू होती है। 20 वाली प्लेट कौन सी भैया जी? एक क्वार्टर प्लेट। ये हाँ जी, ये केवल 20 रुपये की प्लेट है, ठीक है। साइज़ ही बड़ा है, आप हाथ में मैंने ले रखा है, आप देख सकते हैं किस तरह का साइज रहेगा, ठीक है। और उतना हल्का नहीं है जितना हल्का इसे भी हल्का आता होगा ना? इससे हल्की आती है, मगर इससे हल्का आता है, पर इससे हल्का है नहीं है, मीडियम साइज़ का है, ठीक है। और इसके बाद भैया 20 के बाद? 20 के बाद फिर 30 रुपए की। ये 30 रुपए की, ये पड़ेगी आपको 30 रुपए की। और इससे बड़ी तो ये आ गई, ये कितने की पड़ेगी? 35। ये 35 रुपये पड़ेगी, ठीक है। और ये भैया 45। ये 45, ये इससे बड़ी आ गई, ठीक है। और ये इससे बड़ी आएगी ना, ये कितने की पड़ेगी? सेम प्राइस है, सेम साइज़ है। हाँ जी। अच्छा इसके बाद बड़ी बड़ी थालियाँ जो आती हैं ये इस तरह की, ये कितनी पड़ेगी भैया? ये भैया 60 रुपीज। ये 60 रुपये पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं आगे, 60 रुपये की। और इसके बाद इससे बड़ी थाली ये है, ये कितनी पड़ी भैया? ये 70 रुपये की। ये 70 रुपये की पड़ेगी, ठीक है भाई। भैया तवा ले रहे हैं, भैया कितने का पड़ेगा तवा? 120। 120 रुपये का, भैया को पता है। ये तवा पड़ेगा आपको 120 रुपये का, ठीक है। और यहाँ भैया ये लोटा बोलते ना भैया इसको, ये लोटा कितने कितने पड़ेंगे भैया? 45। छोटे वाला कितने का पड़ेगा सबसे छोटा? 45। ये 45 रुपए का, ये भी 45 रुपए का। 45, 50, 55। 45, 50, 55। ये टिफिन भी मिल जाएंगे भैया। ये टिफिन कितने पड़ेगा? 90। 90 रुपए का। हाँ जी 90 रुपये टिफिन पड़ेगा। ये बड़े वाला 120। और इससे बड़े वाला 150। इससे बड़े वाला वो 150 का भैया। ये 150 रुपए का, ये 150 रुपये पड़ेगा भाई। एक दो तीन बड़े बड़े हैं, सब में तीन हैं, तीन बॉक्स बने हुए, पर वो बड़ा है सबसे, ठीक है। और इस तरह का ये छोटे जो टिफिन है, सिंगल टिफिन ही मिल जाएंगे आपको भैया। सिंगल टिफिन किसी रेट के पड़ेंगे? 30, 35, 45, 60। और यहाँ डोलू भी मिल जाएंगे, डोलू भी मिल जाएंगे आपको। ये डोलू छोटे 150, 150 का। कितने लीटर का ये? 1.5 kg, 1.5 kg का। और इसे बड़े वाला भैया 2 लीटर का? 180। और ये वाला 210, 210 रुपये। और ये वाला भैया 240। और इससे बड़े वाला वो 300। अच्छा भैया इस तरह आपको यहाँ पे डोलू भी मिल जाएंगे। वो फिर साइज से बात है, आपको किस साइज का चाहिए? बड़े ही पड़ेंगे, 400, ठीक है। और इस तरह चलते हैं और भैया गिलास भी रखते हैं। 380 भैया गिलास कितने पड़ेगा वाला? 15 रुपये। 15 रुपये का गिलास पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इस, ये छोटे वाले गिलास कितने पड़ेंगे भैया? ये
12 रुपए 15 रुपए 12 रुपए 15 रुपए 11 रुपए 18 रुपए 25। हाँ भाई, इसके बाद फिर ये वाले के लाते हैं जो भी भैया ने दिखाया था भैया, ये 15 रुपए बताया था, 15 रुपए। और इसके बाद ये 20, ये थोड़ा हैवी है क्या? हाँ जी। और ये वाला 25, ये 25 वाला दिखाना भैया अगर कैसा है। ये इस तरह का रहेगा भाई, 25 का हैवी है, चाहे दबा लो कुछ भी कर लो, वो चिपकने वाली चीज़ नहीं है, वो चिपक जाता है। उससे हैवी 40, ये उससे हैवी, ये 40 रुपये का। इसमें डिजाइन मिल जाएंगे, ये डिजाइन बना हुआ है इसलिए इसके इसका प्राइस बढ़ गया। और ये भैया सेम प्राइस है? सेम प्राइस है, मतलब वैरायटी अलग अलग, वैरायटी अलग अलग, इसके जो डिजाइन बने हुए ना, ये अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, बस ये फ़र्क है। और देखते हैं भैया ये बड़ा गिलास कितने का है? ये 55। ये गिलास देखो भाई कितना बड़ा है भैया, ये कितना पड़ेगा? ये भैया 55 रुपये का आपके, ये 55 रुपये पड़ेगा, ठीक है 55। अच्छा भैया प्राइस कुछ चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, मान लो कोई मतलब 2-4 रुपये ऊपर नीचे, 2-4 रुपये नीचे, ऐसा ऐसा नहीं होगा 55 कैसे 10 हो जाएंगे, 2-4 ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ भैया ये पानी के जो जग हैं ये किस प्राइस पड़ेंगे? ये लो, अरे ये रख लो आप, ये जो पानी के जग हैं ये किस प्राइस पड़ेंगे? या कम से कम 70, ये 70 रुपये का जो आप दिखा रहे हैं ये 70 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। ये कितने लीटर का भैया जी? ये भैया होगा कोई 1 लीटर का, 1 लीटर के आसपास होगा। ये लीटर का है 90, ये 90 रुपये का है, ठीक है। और भी उधर पड़े हैं, स्टाइलिश जग पड़े हैं, ठीक है। तो एक कॉपर वाला भी आता ना भैया? कॉपर वाला भैया हमारे पे है नहीं, वैसे मिल जाएगा। अच्छा वो दुकान में मिलते हैं, चलो। अब ये चाय केतली कितनी बड़ी भैया जी? ये बड़ी है 180, 180 रुपये की। ये गैस और इंडक्शन पे दोनों पे, दोनों पे काम करेगी, डीजल चूल्हा है ना? हाँ, इसको भैया माइक्रो थोड़ा सीधा कर लो, नीचे की तरफ आवाज आ रही है। बिजली वाला चूल्हा है? हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों पे काम करेगा। एक प्लेट वाला आता है वो सिर्फ चूल्हे पे काम। अच्छा, ये दोनों पे काम करेगा, दोनों पे करेगा। कितने बताया आपने? 180। 180। और ये नीचे वाला? फिर उसके बाद 220, फिर 280। 280 और 220। 220। और ये भैया चाय की सिंपल कितनी? ये 160। 160, ठीक है। और इस तरह खाना बनाने वाले भी चावल, जो इसे चावल चोल बनते हैं ना, चावल वावल, ये किस प्राइस पड़ेंगे भैया? 300 पर केजी। ये 300 रुपये पर केजी? पर केजी, किलो के हिसाब से? हाँ जी, ये किलो। अच्छा भैया मैंने सुना है किलो के हिसाब से भी बर्तन देते हैं, चाहे चम्मच दो चाहे ये लो। नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ का अलग अलग रेट है। अलग अलग, ठीक है। अच्छा, और भैया का पता करते हैं क्या? ये भैया ये कितनी पड़ेगी मसालेदानी? ये पड़ेगी भैया 250 रुपये की। 250 रुपये की मसालेदानी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ इस तरह की आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी भैया। ये छूका लगाने वाला होता ना, ये छूका लगाने वाला 60 रुपये, 60 रुपये का, ये 60 रुपये पड़ जाएगा छूका लगाने वाला। बहुत सी चीज़ें भैया के पास, बहुत सी चीज़ें भैया आप तक पहुँचने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ये माम रस्ता कितने का पड़ेगा? ये 1 अदर कूटने वाला 150 और ये बड़े वाला 170। ये बड़े वाला 170, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, 170 वाला इस तरह का रहेगा, ठीक है। और इसमें अदरक अदर कूटी आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कूटने वाली, जो मसाले वसाले कूटे जाते हैं इसमें, तो इस तरह की आपको ये चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। भैया लोग आप तक कैसे पहुँचे, थोड़ा रास्ता वास्ता बताएँ। डिप्टीगंज में गोल चक्कर पे। गोल चक्कर पे किस नाम से आपकी पहचान है यहाँ पर? मेरे नाम लवली नाम से। लवली, लवली। अच्छा, आप ऑनलाइन भी भेज दे देते हैं क्या अगर कोई आता तो? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं देते, ऑनलाइन में पंगा पड़ता है, अपने हाथ के आओ। अच्छा, आप आओ और ले जाओ, ले जाओ। भैया का नाम लवली है, गोल चक्कर पे आ जाओ, डिप्टीगंज गोल चक्कर पे आओ और यहाँ पर जैसे ये माल ले सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट में। भाई हमें यहाँ मिल जाएंगे कुकर, ठीक है। और कुकर के प्राइस पता करेंगे, कुकर किस किस प्राइस के हमें यहाँ मिलने वाले, ठीक है। भैया कहाँ से शुरू होती रेंज कुकर की? 500 रुपये से। 500 वाला कौन सा भैया? ये केवल 500 रुपये का कुकर है भैया? ये 500 रुपये का कुकर है, ठीक है। और भैया ऐसी कुछ गारंटी वारंटी रहती है फिर? केवल इसकी गारंटी नहीं होती। ये कितने लीटर का है? 3 लीटर का आपको कुकर मिल जाएगा 500 रुपये का, क्या बात है। और आगे बढ़ते हैं, इससे बड़े वाला? इससे बड़ा ये देखो बुश कंपनी का, ये ISI कुकर, ये 700 रुपये का। अच्छा, ये ISI का है, ये 700 रुपये का, ठीक है। कितने लीटर का है? 5 लीटर का। ये 5 लीटर का, ठीक है। अच्छा, ये इसमें चपाती वपाती रखी जाती है ना इसमें? ये कितने पे पड़ेगा भैया? ये पड़ेगा आपको 180 रुपये का मंडली। 180 रुपये का, ठीक है। और ये 230 का। ये 230 रुपये का, ठीक है। और ये भैया 260। ये 260 का, ठीक है। और ये टिफिन ही बेच रहे हैं आपका खुद का है? हाँ, ये टिफिन। अच्छा, आपने ऐसा रखा है भोजन करोगे आप? अच्छा, ये बेचने के लिए कितने का पड़ेगा टिफिन? ये पड़ेगा आपको 280 रुपये का, ये कैलबी कंपनी के गारंटी गारंटी है। अच्छा, गारंटी है, 280 रुपये का दे रहे हैं। अच्छा, ये किस लिए होता भैया? ये जो सब्जी वगैरह फल घर के अंदर सब्जी वब्जी फल, ये किस हिसाब से दे रहे हैं? ये टोकरी 30 रुपये की है, ये 60 रुपये की। ये 30 रुपये की है, उसे डबल साइज लोगे तो 60 रुपये की पड़ जाएगी भैया। इस तरह आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। हमारे छोटे से भाई हैं, विद्यार्थी हैं वैसे तो, ठीक है, पर मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। और ये आपको पड़ेगा 800 रुपये का, 7 लीटर का। 7 लीटर का 800 रुपये कुकर पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का। चलो भैया, इस तरह यहाँ हमारे भैया ये बेच रहे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार।
ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।